तो दोस्तों डीजे राजन ने सार्जन को बना दिया टार्जन, और डीजे सार्जन वाइब्रेशन सॉन्ग क्यों नहीं बजाया? डीजे सार्जन के डीजे में वाइब्रेशन नहीं था, और दोस्तों डीजे सार्जन हमिंग बजा रहे थे कि ईडीएम बजा रहे थे? और दोस्तों डीजे सार्जन को देखने एक दिन पहले जो गए थे या जो जो वीडियो बनाने गए थे, सेटअप कैसे लोडिंग हो रहा उन सब के बारे में डीजे सार्जन ने क्या कहा, तो फिलहाल वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आज की इस वीडियो में सारा कुछ जितना भी मैंने बताया वो सब का आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि गैस इस चीज का आंसर मैं नहीं दूंगा, ये सार्जन भैया खुद देंगे। गैस कल मतलब लाइव आए थे रात के टाइम, तो लाइव आने की वजह से ये जितना भी सारा चीज जो था सबका वो आंसर सार्जन भैया ने दिया कल, पर अभी उसके चैनल पर ये लाइव वीडियो तो नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो गाइस मेरे आप सबको मैं दिखाऊंगा ये लाइव वीडियो क्या है, तो वीडियो को फिलहाल अंत तक बने, चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में सार्जन के बारे में बात करेंगे। गाइस सार्जन जो कंपटीशन हुआ था 31 तारीख को, उस चीज के बारे में बात करेंगे कि सार्जन ने क्यों वाइब्रेशन सॉन्ग नहीं बजाया, तो उस चीज के बारे में बात करते हैं। गाइस सार्जन ने वाइब्रेशन सॉन्ग क्यों नहीं बजाया? तो दोस्तों इन सब का आंसर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, क्योंकि लास्ट में डीजे सार्जन का जो लाइव आए थे क्या क्या बात हुआ कल, तो उन सब के क्लिप में आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो अभी मैं आप सबको कुछ थोड़ा अपने तरफ से मैं एक्सपीरियंस थोड़ा बताता हूँ वहाँ का, क्या कंपटीशन के बारे में क्या रहा, सार्जन भाई वाइब्रेशन क्यों सॉन्ग क्यों नहीं बजाया। मैं आप सबको मतलब मेरे तरफ से एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ कि ये बात, और सार्जन भाई क्या क्या बोले वो तो लास्ट में मैं आप सबको दिखा दूंगा। तो सार्जन भाई वाइब्रेशन सॉन्ग क्यों नहीं बजाया इसके बाद में बात करते हैं। गाइस आप सब ने जब सार्जन भाई का सेटअप टेस्टिंग हुआ था तो डीजे का हालत बहुत खराब था, आप सबको पता था। जो गाइस दो डीजे लाना पड़ा, जो फर्स्ट वाला डीजी था वो कितना के बी का था आप सबको पता है? फर्स्ट वाला जो डीजी था वो 250 KB का डीजी था। तो गैस 250 DG का जो था वो ट्विटर जब चेक हुआ, ट्विटर चेक करने के बाद जब वाइब्रेशन जो वॉल्यूम बढ़ा रहा था तब उसका हालत खराब हो रहा था डीजी का। तो सार्जन भाई बोले ये डीजी बहुत पुराना हो चुका है, तो नया वाला थोड़ा लेके आओ। तो सार्जन भाई 160 KB का डीजी मंगवाए, तो 160 DG का कभी मंगवाने के बाद भी मतलब गाना बज रहा था। तो जब वाइब्रेशन की बात करें तो जब वाइब्रेशन सॉन्ग बजा रहे थे तो डीजी जवाब दे रहा था गाइस, मतलब जो एमटी जो मशीन होता है तो वो ट्रिप हो रहा था। तो इस कारण से गाइस जो डीजे राजन जो बोल रहे थे वाइब्रेशन सॉन्ग बजाने के लिए, तो इस वजह से सार्जन ने वाइब्रेशन सॉन्ग नहीं बजाया। तो दोस्तों इसका मैं प्रूफ दूंगा क्यों सार्जन भाई 225 KB से डीजे नहीं चला और 160 से कैसे चल गया, इसका भी प्रूफ सार्जन भाई आप सबको देने वाला है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सार्जन के डीजे में वाइब्रेशन नहीं था, तो आप वीडियो पहले देख लीजिए कि सार्जन के डीजे में वाइब्रेशन था कि नहीं। तो सार्जन भैया का सेटअप यहाँ से लगभग देख सकते 1 किलोमीटर दूर में है, देख सकते लाइटिंग आ रहा है बहुत, तो यहाँ देख सकते यहाँ पे तारा हिल रहा है दोस्तों, समझ सकते हैं यहाँ पे कितना खतरनाक क्वालिटी और कितना बेस प्रेशर दे रहा सार्जन भैया का दोस्तों। अब बात करते हैं राजन ने बना दिया डीजे सार्जन को टार्जन, मतलब राजन ने बना दिया डीजे सार्जन को टार्जन, क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? तो दोस्तों इतना आसान से पॉसिबल नहीं है गैस कि राजन भाई डीजे सार्जन को टार्जन बना देंगे। तो गैस वाइब्रेशन की बात करें वही आप सबको बोल दिए कि वो डीजे खराब था, और जहां तक बात है कि राजन भाई वो जो बोल रहे थे वो उसका बोलने का तरीका बहुत ही अलग था गाइस, जो वहाँ के जो है डीजे हैप्पी है, डीजे ताज है, उन सब का स्वभाव मतलब बहुत अच्छा था गाइस, मैं उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, बहुत ही वो डीजे वाले बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो उन सबको मैं आप सब कंपटीशन जब हो रहा था तो डीजे राजन ने डीजे ताज को गाली दे दिया गाइस, वो वीडियो मेरे पास है, लेकिन आप सबको क्या करना है कि मेरे चैनल में अपलोड नहीं है वो, एक विवेक अंबेडकर नगर इस तरह करके एक चैनल है, तो उसका उस भाई ने उस वीडियो को अपलोड किया था, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि राजन भाई ने डीजे ताज को किस तरह गाली दिया। दोस्तों राजन भाई गाली ही नहीं, जब कंपटीशन करने के लिए आ रहे थे तो वो जितने भी वहाँ के यूपी के लोग थे उन सबको बोले कि
यूपी वर्सेस झारखंड ये करवा दिया, मतलब कुछ भी बोल रहा था, मतलब राजन डीजे मतलब को किसी भी तरह वो जीतना चाहता है। और दोस्तों कोई फालतू का कमेंट मत करना, क्योंकि गाइस आप अगर नहीं गए हैं और आप सार्जन का अगर सेटअप का साउंड अगर नहीं सुने तो आप फालतू कमेंट मत कीजिएगा। जो बस गए हैं वहाँ पे, जो सार्जन का वाइब्रेशन सुने हैं, उन सबको पता चलेगा सार्जन और राजन में क्या अंतर है। नहीं तो आप घर बैठे बिना फालतू का आप कमेंट कर लेंगे ये वो, इस तरह नहीं होता है गैस। और आप बात करते हैं कि गैस क्या सार्जन हमिंग बजा रहा था, क्या हमिंग बजा रहा था सार्जन, तो मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ। सार्जन हमिंग नहीं बजा रहा था, वो EDM बजा रहा था गैस। हमिंग क्या कहते हैं वो राजन भाई को नहीं पता। हमिंग अगर आपको जानना है कि हमिंग किसे कहते हैं तो आप जाइए बंगाल के सेटअप में, पावर म्यूजिक 4x4 सेटअप 10 बेस 9 मिड्स का अगर आप हमिंग सुन लीजिए ना भाई, आप लुंगी उठा के आपको भागना पड़ जाएगा, इस तरह आपका हमिंग बोलते हैं। तो आपको बंगाल का सेटअप सुनना पड़ेगा। सार्जन EDM बजा रहा था गाइस और बार बार राजन भाई बोल रहे थे हमिंग ना यहाँ पे नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये बजाओ वाइब्रेशन बजाओ। भाई वाइब्रेशन बजाते भाई, डीजे का हालत आप जानते हैं, डीजे का हालत क्या हो चुका है डीजे का। और एक बात आया कि गाइस जो जहाँ से डीजे आया था, राजन का भी डीजे एक ही जगह से आया था और सार्जन का भी डीजे एक ही जगह से आया था। और दोस्तों राजन का सेटअप उतना पावर नहीं था कि जैसे सार्जन को हरा सके। फर्स्ट राउंड में तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, इस तरह करके राजनीति करके मतलब जीत गया राजन। और सेकंड राउंड की बात करते तो वो तो हुआ नहीं, प्रशासन के कारण बहुत अभी बंद करवा दिया डीजे सबको। और दोस्तों मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा वहां का सेटअप के बारे में, क्या सेटअप मुझे अच्छा लगा वहां का सेटअप के बारे में अच्छा लगा, फोल्डिंग जो फोल्ड करके जो फोल्डिंग कर रहे थे और मतलब निकल जा रहे थे रास्ता से, वो मुझे काफी अच्छा लगा गाइस। ये मतलब सीखने को मिला कि वहाँ के फोल्डिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाका में भी आप फोल्ड करके निकल सकते हो, बड़ा से बड़ा डीजे को आप ले जा सकते हैं एक ही गाड़ी में, मतलब एक दिन का खटाली आपका बच जाएगा। कि एक दिन पहले कहीं की आप बुकिंग पकड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है कि डीजे सार्जन भाई लोग एक दिन पहले जाते हैं और वहाँ से लोडिंग करते हैं, एक दिन मतलब पहले से लोडिंग करते हैं, फिर दूसरे दिन वहाँ पे कंपटीशन या कुछ भी करते हैं, अपना प्रोग्राम वगैरह करते हैं। और वो लगा कि भाई लोग का क्या था कि मतलब लोडिंग कर लिए यहाँ घर से ही और इसे मतलब फोल्डिंग करके निकल जाओ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ये मतलब अच्छा लगा गाइस ये चीज़। दोस्तों आप बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में, ये दोस्तों कड़वा सच है, आप किसी को बुरा भी लग सकता है तो मैं आप सबको बता देता हूँ, किसी को बुरा लग सकता है लेकिन दिल पे मत माने, ये सच है गाइस। तो वाइब्रेशन की बात करते हैं और बेस के बारे में बात करते हैं गाइस। डीजे सार्जन जो बजा रहा था वो नॉर्मल था, वो वाइब्रेशन वाला नहीं बजाए थे जो राजन बजा रहा था। और उस तरह का बजाते तो अलग ही रिस्पांस मिलता है गाइस, मतलब जो बेस निकल रहा था सार्जन का वो तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो राजन का में था वो तो बेस नहीं था, खाली वाइब्रेशन ही बजा रहे थे सबसे ज़्यादा। अगर बेस वाला भी बजा रहे थे तो पूरा दबा रहा था एकदम सार्जन, उसका मतलब कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, एकदम पूरा दबा दे रहा था उसका गाना को जो बजा रहा था, इसीलिए वो राजन भाई बेस में नहीं वाइब्रेशन में कंपटीशन करने के लिए बोल रहे थे। और पहले से डीजे सार्जन का हालत खराब है डीजी का, तो कैसे वाइब्रेशन सॉन्ग बजाएंगे आप ही समझ लीजिए। और दोस्तों वाइब्रेशन की बात करेंगे, वाइब्रेशन आप हर अब से एक सेटअप में आप निकाल सकते हैं वाइब्रेशन, लेकिन बेस आप हर एक सेटअप में नहीं निकाल सकते। बेस को निकालने के लिए सार्जन भाई का देखिएगा कि नॉर्मल गाना में ही मतलब बेस बहुत ही मतलब हाई लेवल का निकल रहा था, जैसे कि वहाँ आप खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। और डीजे का हालत भी खराब था, लेकिन और 25% मतलब 25% डीजे के हालत खराब होने की वजह से वो साउंड नहीं दे रहे थे। अगर डीजे अच्छा रहता तो 25% दे देता तो वहाँ आप खड़ा ही नहीं हो पाते थे। और बात रहा वाइब्रेशन सॉन्ग क्यों नहीं बजाया डीजे सार्जन, अगर वाइब्रेशन सॉन्ग बजाता तो गाइस मान लो अगर उसका डीजे अच्छा रहता तो जितना भी वहाँ खड़े थे उन सबको भागना पड़ सकता था, जितने भी मतलब डीजे के सामने पड़े थे, क्योंकि डीजे सार्जन का समझ सकते हैं कि हल्के में ले रहे हो क्या सेटअप डीजे सार्जन का सेटअप को। और दोस्तों फाइनल बात यह है कि अब सार्जन भाई का आप लाइव क्लिप देखिए, बहुत ज्यादा बकबक कर लिए हम, और सार्जन भाई का फाइनल क्लिप देखिए वो क्या क्या बोले, आप सबके बारे में क्या बोले, इन सब का क्या जवाब दिया। सिस्टम में अपना इतना हैवी बेस मारते हैं, मतलब गाना नॉर्मली गाना जब प्ले करते हैं रिमिक्स टाइप का गाना जब प्ले करते हैं तो उसी में डीजे का हालत खराब होता है। जो एक भाई भी था बोले मेरे बोले देखा उस समय डीजे का कंडीशन देखो जो गाना चल रहा है, मतलब आपको अंदाजा बता के तो नहीं ये कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, जो समझदार है वो समझ जाएगा कि बोलने क्या सोच रहे हैं। आप देखिएगा गाना नहीं, और कल भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो छोड़ा था डीजे का हालत खराब,
आप सोचिए 160 के भी डीजे का हालत खराब था, सिर्फ और सिर्फ मतलब सिस्टम मतलब जो रोड शो है खत्म कर पाए कि नहीं। हाँ, अब इसमें बहुत जन का क्वेश्चन आएगा कि भैया आप तो फिर आप अगर बेल पहाड़ी में आपका जैसे ये तो ज्यादा का ही बोल लेते हैं। आप देखिएगा बहुत सारा यूट्यूबर आपको दिखाएगा, मेरा पार्ट सिक्स जो ब्लॉग है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट सिक्स यहाँ पर जब 250 के भी लिए थे तो जो 250 के भी सिर्फ नाम का है वो काम का नहीं, यानी उसमें तो 160 वाला में तो थोड़ा बहुत ईडीएम टाइप का वाइब्रेशन सॉन्ग भी प्ले हो जा रहा था, लेकिन आपका 250 के भी में सिंपल गाना को भी जैसे उठा रहे थे 40% जैसे उठा रहे थे बंद हो जा रहा था। तो सुबह सुबह जितना भी टेस्टिंग हुआ था आप देखिएगा तुरंत थोड़ा सा बज रहा है बंद हो जा रहा है, थोड़ा सा बज रहा है बंद। बेल पहाड़ में भी आप लोग देखे थे शुरुआत में जब टेस्ट कर रहे थे, जब वाइब्रेशन की ओर जा रहे थे टेस्ट के साथ तुरंत से बंद, फिर दौड़ के जाना पड़ रहा था, फिर देख रहे हैं डीजे नोट नहीं ले रहे। एक्चुअली हो क्या रहा है, डीजे जितना बोल के देता है वो उतना परफेक्ट रहता ही नहीं, क्योंकि 200-250 के भी का डीजे अधिकतर लोग ऐसे लाइटिंग में लगाते हैं, लेकिन लाइटिंग में क्या होता है जैसे जैसे आपका लोड पड़ता है वो ऑपरेटर डीजे ऑपरेटर वो समझ जाता है कि इसमें इतना लोड है वो एक जैसा करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब डीजे में इतना सारा एम्पलीफायर के साथ एक जबरदस्त अचानक से प्रेशर देते हैं वो फ्रिक्वेंसी से लेकर एम्पलीफायर तक सारा चीज में ड्रॉप आ जाता है, तो उस समय क्या होता है कि स्ट्रेंजर वगैरह या आहूजा वगैरह ऐसा मशीन अगर रहा वो सब तो चल जाएगा, लेकिन एमपी वगैरह इसमें होता है क्या है, देखिएगा एमपी में वो उसका जो पावर बटन है वो एक एमसीजी का काम करता है, या अगर मतलब प्रोटेक्शन का वो अधिकतर प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर उसको सही तरह का फ्रीक्वेंसी नहीं मिला, एम्पेयर नहीं मिला या वोल्टेज नहीं मिला तो वो क्या होता है वो ऑटोमेटिक बंद कर देता है, आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, तो वही चीज हो रहा था। तो हम लोग ने देखा कि फिर लास्ट में 160 के भी का मिला जिसमें गाना का हर बेस लगभग सह जा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा और पावरफुल मिलता और भी 20-25% जो बज रहा था वो तो पब्लिक को काफ़ी पसंद आया, आदमी को हम लोग को भी काफ़ी पसंद आया, लेकिन उससे भी सोचिए और 25-30% और बढ़ता अगर डीजे और परफेक्ट हम लोग को मिलता तब, अगर 250 के भी अपना 250 के भी का परफेक्ट काम करता तो और ज़्यादा मज़ा आता। इसीलिए हमेशा जब भी टेस्टिंग होता है तो हम लोग एक वाइब्रेशन मारते हैं, और हमेशा देखिएगा कोई भी जो पहले पहले जितना भी यूट्यूबर गया होगा उन लोग का स्टार्टिंग में देखिएगा थोड़ा सा जैसे मारते हैं बंद हो गया, अब भाई क्या बात हुआ नहीं हुआ, तो वो डीजे का ही प्रॉब्लम रहता है। बाकी ओवरऑल रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा रहा है, और बहुत जन का कहना था आप ये बजाइए वो बजाइए इधर की तरह बजाइए उधर की तरह बजाइए, देखिए जो जैसे बजाता है उन लोग को बजाने देते हैं, अपना जो तरीका है हम लोग अपना तरीका शो करते हैं और अपना तरीका से बजाएं भी, और इसमें काफ़ी आदमी को काफ़ी मतलब आप लोग का झारखंड से तो है, इधर वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, और इधर आपका यूपी से, लगभग यूपी तो छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा यूपी है, जितने भी डीजे वाले आए थे बहुत डीजे वाले आए थे दूर दूर से। इसमें एक खराबी था कि सामने कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, इसीलिए बहुत जगह जो बाहर से आ रहे थे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, फिर भी जितना है ना बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था और काफ़ी दूर दूर से आए थे, आपको तो कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स में आप लोग को दिखाए थे किस तरह से रात जग जग के था। तो मैं उन सारे यूट्यूबर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना मेहनत करके आते हैं, और खास करके सारे यूट्यूबर को तो नहीं बोलेंगे लेकिन खास करके जो जो यूट्यूबर आप लोग को वहाँ का वीडियो दिखा रहा है सच में बोल रहे हैं कि वो लोग भूखे प्यासे मतलब इतना मुश्किल से रह के हम लोग का कंडीशन जैसा ही वो लोग रह के आप लोग को लिए वीडियो कंटेंट लाके आपको रखे, तो ये फर्ज बनता है उन लोग के लिए। लाइक सब्सक्राइब जो भी नया रहता है कमेंट वगैरह वो बने रहिएगा, वो लड़का लोग आप लोग के लिए बहुत कुछ किया, मैं देख के
मेरे सामने बहुत जन बोला कि रहने के लिए, तो मेरा तो भी घर नहीं था वहाँ या कोई ऐसा जान परिचय नहीं था, तो हम लोग जहाँ थे तो बस ऐसा बोल दिए कि हम लोग के बगल में कहीं पर अपना सामान चादर उधर जो भी है लेके सो जाए। अब माइक बाजे देखिए जहाँ का जो चीज है वो थोड़ा बहुत चलेगा ही, क्योंकि जरूरी भी था। जो जिस जगह पे रहता है उसको उसी के भाषा में समझाना भी ये थोड़ा सा हिम्मत वाला बात है, तो जो भी जिस तरीका से था उसको उसी भाषा से समझाए, ये नहीं कि उन्हीं के हम अपना हिसाब से चले वो उनका हिसाब से चले, ऐसे नहीं। हम अगर गए तो हम लोग का हर तरह से चलने का कैपेसिटी रखते हैं, जो जिस तरह का है उनको उन्हीं के भाषा में हम लोग ने भी कॉम्पिटिशन किया, और पब्लिक का यहाँ के साथ साथ वहाँ का भी पब्लिक का काफी प्यार मिला कि वो भीड़ में हम भी था और भीड़ में ही सारा चीज हम भी सुन रहे थे। हाँ, इतना भीड़ था मतलब वो जगह में एक्चुअली खुला एरिया में होता तो और मजा आता, फेस टू फेस जो सेकेंड बार चांसेस था होने का, लेकिन पुलिस प्रशासन आ गए क्योंकि वो हाईवे था, हाईवे पूरा ब्लॉक हो गया था, तो उस हिसाब से उन लोग तो अपना सही थे क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक हम लोग हाईवे को ब्लॉक नहीं करके रख सकते क्योंकि उसमें आपका एम्बुलेंस वगैरह सारा चीज फंस जाता है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो सही ही नहीं है। तो पुलिस आए, पुलिस अपना क्लियरेंस कराए और कमिटी ने भी साथ दिया, हालांकि चौड़ा था काफी, जहां पर कंपटीशन हो रहा था काफी चौड़ा था, लेकिन कंपटीशन के साथ चलते और काफी भीड़ था जिसके कारण थोड़ा सा रोड ब्लॉक हो गया था, फिर लास्ट में क्लियरेंस करा के वो फिर से हुआ, लेकिन वो जब पुलिस आए तो उसके बाद और बजने नहीं दिया, हालांकि परमिशन था, एक टाइमिंग था और परमिशन के हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे नहीं कि मनमान, क्योंकि आप एक एनएच में आप ये नहीं कर सकते हैं, मनमानी नहीं कर सकते, वहाँ परमिशन था, परमिशन के हिसाब से भी एक समय दिया गया था, उसी के आधार पर हम लोग को रोड शो करना था। सब लगभग सब अपना उसी तरीका का था, यानी सिर्फ आप वाइब्रेशन मारिएगा तभी फील करवाएगा, बाकी आपका गाना में वो ये जो हम लोग का अभी चला रहे वो वाला एक्सट्रीम फील वाला बेस नहीं मिलेगा। और बाकी तो वहाँ के आदमी एक चीज देखे, मतलब इधर जिस तरह का थोड़ा सा नशा उसा पी के थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं बाजा वाले के ऊपर, डीजे वाले के ऊपर, वहाँ पर वो चीज नहीं था, एकदम नहीं। अगर उन लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं ना पी के भी, तो हाँ लग रहा है झगड़ा टाइप का, लेकिन फिर से एकदम दोस्ती हाथ मिला के फिर अपना सॉल्व भी कर लिया जितना देर तक देखे। अब हम हमेशा का नहीं बता सकते, बाकी भीड़ था, इस भीड़ में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो जाके मतलब थोड़ा सा नोट वाला को कोई परेशान कर रहा। चलिए और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। छत्तीसगढ़ से, हाँ छत्तीसगढ़ से भी थे। उड़ीसा कब आ रहे हैं भैया? उड़ीसा में क्या है प्रशासनिक नियम कुछ अभी उसमें ज्यादा हुआ है तो उसके चलते क्लियरेंस नहीं होता हम लोग का, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाते। देखिए इतना लाख लाख का सामान होता है, आप एक ब्लॉक में देखे ना तीन दिन चार दिन कितना खर्चा है, प्लस इतना गाड़ी को लेके जाना, अभी देखो इतना लॉन्ग डिस्टेंस है ऐसे हाईवे में जाना, तो खर्चा के साथ साथ रिक्स भी रहता है, रास्ता में पुलिस का झमेला भी रहता है, तो इतना सारा चीज मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कोई भी जो बुक करता है तो वो घर बैठे सोचता है हम पैसा दे दिया वो आएगा मेरा शो हो जाएगा, मस्ती करेंगे बस पैसा दे देंगे हो जाएगा, लेकिन वो सेटअप को अच्छी तरीका से जाके अच्छा से करके आना कितना कठिनाई है, जो उसके लिए आप लोग को वीडियो बनानी है वो पार्ट वाइज आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी बड़ा काम है किस तरह से होता है। और इसमें पावर म्यूजिक को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ करके आया है जिसके चलते उसको पब्लिक मानता भी है,
और मेरे नजर से ये होता है कि कोई भी अगर अच्छा करके आया है तो कहीं ना कहीं पब्लिक उसको पसंद करता है, उसका भी नाम है। लेकिन अगर बोले कि कंपटीशन के मामले में तो ये एक तरह का मतलब हमको थोड़ा सा अल्टर लगा, क्योंकि जितना भी वीडियो उन लोग का देखते हैं सब सिंगल सिंगल सेटअप के साथ होता है, डबल सेटअप के साथ, सिंगल बस कभी डबल नहीं होता। तो अगर सिंगल सिंगल रहता हम थोड़ा सा ज्यादा मानते क्या, चलो हम चैलेंज के साथ लगा दावारी के साथ लगा, ठीक है। उस टॉपिक में नहीं ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जितना भी दूर वाला काम पकड़ते हैं हम लोग बार बार जाते काम तो नहीं करके आएंगे, लेकिन बहुत सारा जब फालतू फालतू कमेंट करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि अगर फिर से कंपटीशन हुआ भी तो ये भी